धन्यवाद सर। सर, दार्जिलिंग में जीटीए नाम से एक ऑटोनोमस बॉडी चलती है, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, दार्जिलिंग में हम सब जानते हैं अलग राज्य की मांग बहुत पुरानी है, और इसके साथ ही दो बार जो है सेमी ऑटोनोमस बॉडी को लेकर के प्रयोग हुए। 88 के अंदर में एक बार दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और 2012 में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग के जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी उनके माध्यम से जो है जीटीए बना, और 2017 में जीटीए का अस्तित्व खत्म हो चुका है और जो उसके मेन सिग्नेटरी थे उन्होंने भी जीटीए से पूरी तरह त्यागपत्र दे दिया और जीटीए को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन हुआ यूं कि 2017 के बाद दार्जिलिंग के ऊपर में एक ग्रहण सा लग गया और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार उसको लेकर के राजनीति कर रही। वैसे भी टीएमसी का कभी भी गोरखा के प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं रहा, और 2017 के बाद बगैर चुनाव के अभी तक जो है जीटीए नॉन इलेक्टेड व्यक्ति कभी ब्यूरोक्रेट को या अपने पॉलिटिकल जो उनके मित्र हैं उनको बिठा करके चलाया जा रहा है, और इसकी वजह से क्षेत्र की जनता का बहुत नुकसान हुआ है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ के जो अलायंस पार्टी है उनके बीच में ट्राइपार्टाइट टॉक स्टार्ट हुआ है कि दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जो लंबे समय से चली आ रही मांग है उसका कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाए इसको लेकर के, और ये वार्ता चल भी रही है। लेकिन इसी बीच जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दार्जिलिंग जाती है और दोबारा से जो है जीटीए चुनाव कराने की बात करते, इससे दार्जिलिंग का माहौल दोबारा खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जीटीए का चुनाव जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह केंद्र सरकार खारिज कर दे, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसमें सिग्नेटरी है। दूसरी बात, जो स्थायी राजनीतिक समाधान होगा सर, एक मिनट, उससे राष्ट्र का भला होगा, गोरखाओं का भला होगा, उस क्षेत्र में रहने वाले जनताओं का भला होगा, और इससे सिक्किम का भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जाने अनजाने सिक्किम के ऊपर में भी बहुत नुकसान जो है होता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।